हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर है और आपको याद होगा कि अभी हमने रिसेंट में एक वीडियो अपलोड की थी जिनके एडसेंस में था प्रॉब्लम और आपने उस वीडियो को देखा, आपको अच्छा भी लगा, आपने लाइक भी किया। लेकिन अब आपको बता रहा हूं कि उसी चैनल को हमने करवा दिया है मोनेटाइज और ये परेशान थे, इनका एडसेंस नहीं बन पा रहा था, मोनेटाइज नहीं हो पा रहा था। और जैसे ही मेरे हाथ में आया इनका चैनल, मैंने रिव्यू किया, चेक किया और इनका एडसेंस बनाया जो कि आपने देखा ही, उसके बाद मोनेटाइजेशन में चला गया था और 12 घंटे के अंदर इनका चैनल मोनेटाइज हो गया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन्हें ये नहीं पता था कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और मैंने सोचा कि आपको भी बताना चाहिए कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए होता है और आपको अपने चैनल पर ये काम ऐसे करने होते हैं जिससे CTR हाई ना हो और आपके चैनल पर कौन से ऐड लगाने चाहिए, कौन से ऐड नहीं लगाने चाहिए और किस वीडियो पर ऐड नहीं चलेगा और किस वीडियो पर ऐड चलेगा उसका पैसे नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि आपके लिए मैं वैल्यू प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ओपन है भाई का चैनल और लिखकर आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन एक्सेप्टेड इनटू द वीडियो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, यू कैन नाउ मोनेटाइज योर वीडियो एंड एक्सेस सपोर्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, पहले भी बताया है, आज फिर बता रहा हूँ कि अगर आप एक साथ सभी वीडियो को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मोनेटाइज वीडियो पर क्लिक करना होगा। अगर एक साथ नहीं करना चाहते हैं तो आप कंटेंट पर क्लिक करना, यहाँ पर कंटेंट पर क्लिक करने के बाद एक एक वीडियो का मोनेटाइजेशन यहाँ से ऑन कर देना। ये हो गया आपका काम मोनेटाइजेशन ऑन करने वाली बात। उसके बाद अब यहाँ पर फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और नॉट मोनेटाइज वीडियो पर क्लिक कर देना। नॉट मोनेटाइज वीडियो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जितनी भी वीडियो नॉट मोनेटाइज है वो सारी आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक कर देना और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 30 वीडियो आ गई है और 30 वीडियो आने के बाद यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पर जाना है और इसे ऑन पर क्लिक कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर अपडेट वीडियोज पर क्लिक कर देना है, अंडरस्टैंड और अपडेट वीडियोज पर क्लिक कर देना है। जब आप अपडेट वीडियो पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो जो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा वो सारी वीडियो आपका मोनेटाइज हो जाएगा थोड़ी देर बाद ये अपडेट होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर लिखा है यू आर सेफ टू नेविगेट अवे वेट बिफोर मेकिंग अनदर बल्क। ये कह रहा है कि आप थोड़ी देर इंतज़ार करिए, जब तक कि हम आपके चैनल को जब तक कि हम आपके वीडियो को मोनेटाइज करते हैं तब तक के लिए थोड़ा देर वेट करिए और उसके बाद फिर अगला स्लॉट आप अपना फाइंड करके और उसे मोनेटाइज करना, उस वीडियो को मोनेटाइज करना। तो कोई इशूज नहीं है, हम जब तक ये चल रहा है तब तक मैं आपके साथ कुछ और चीज़ें शेयर कर दूँ कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तब आप ये गलती बिल्कुल ना करना कि किसी दूसरे का कंटेंट सीरियल वगैरह अपने चैनल पर मत डाल देना व्यूज और रेवेन्यू ज़्यादा पाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा चैनल अचानक से फिर बंद हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। और जब चैनल तुम्हारा मोनेटाइज हो जाए ना तो फिर अपने चैनल पर तुम सुपर चैट ऑन कर लेना। सुपर चैट से ये होगा जब तुम लाइव आते हो अपने चैनल पर तो अगर तुम्हें कोई सुपर चैट यानी पैसे देकर अपना बात बताना चाहता है, तुम पे ज़्यादा मतलब कमेंट आता है, ज़्यादा रिप्लाई करना होता है तो तुम वहाँ पर तुम्हें सुपर चैट पर पैसे मिलेंगे और उस पैसे को तुम अपने एडसेंस अकाउंट में ऐड कर सकते हो। एडसेंस अकाउंट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं, उसमें करना कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हें सुपर चैट ऑन होगा करना होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये हो गया है और मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है हर एक वीडियो पर, लेकिन अब मोनेटाइजेशन तो ऑन हो गया है, अब तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे ये वीडियो है 14 मिनट की, तो इस वीडियो पर मैं क्लिक करूँगा, इस वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब अगर तुम्हारी कोई भी वीडियो 8 मिनट से बड़ी है, कोई भी वीडियो 8 मिनट से बड़ी है तो तुम यहाँ पर इस तरीके से आना, तुम अपने वीडियो पर उसी वीडियो पर जिस वीडियो पर 8 मिनट से ज़्यादा है उस वीडियो पर आना, मैनेज मिड रोल पर क्लिक करना और उसके बाद तुम ज़्यादा ऐड अपने वीडियो पर लगा सकते हो। तो ऐड लगाने के लिए यहाँ पर क्लिक करो, ऐसे ऐड ब्रेक पर क्लिक कर दो, फिर इसके बाद यहाँ पर एक और लगा दो, इस पर ऐड ब्रेक पर क्लिक कर दो, इसके बाद यहाँ पर आओ एक और लगाओ और ऐड ब्रेक पर क्लिक करके कॉन्टिन्यूअस पर क्लिक कर दो। जब आप कॉन्टिन्यूअस पर क्लिक कर दोगे ना तो इस पर ज़्यादा ऐड लग गए हैं और उसके बाद सेव कर देना। इससे क्या होगा कि तुम्हारे चैनल पर तुम्हें ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ज़्यादा पैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये काम तुम्हें करना होगा। और दोस्तों अब यहाँ पर मैं बैक करता हूँ और अब आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि आप अपना सुपर चैट कैसे ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सुपर पर क्लिक करना है,
इसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको ये सारी पॉलिसीज देख लेनी है। उसके बाद आई अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है, फुल नेम आप अपना डाल दीजिए और यहाँ पर मैं इनका फुल नेम है मैं डाल देता हूँ यस के राइडर, और यहाँ पर इनका ईमेल एड्रेस भी डाल देता हूँ जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर है, और इनका ईमेल एड्रेस यहाँ से मैं कर लूँगा कॉपी जैसा कि आपको पता है, और ये कॉपी हमने कर लिया ईमेल एड्रेस। और अब हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आएंगे और यहाँ पर एस के राइडर की जगह इनका नाम भी देख लेते हैं एक बार तरीके वाला, क्योंकि जब काम कर रहे हैं तो अच्छे से कर दें। इनका नाम है सुनील गंगवार, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे गेट स्टार्ट पर क्लिक और अब हम यहाँ पर करेंगे लिखेंगे सुनील गंगवार, ठीक है। और इसके बाद इनका जीमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे और ये डालने के बाद अब योर कंपनी तो दो, योर कंपनी नेम लिख दो एस के राइडर, ठीक है। चैनल का नाम अपने यहाँ पर डाल देना, उसके बाद तुम एक्सेप्ट पर क्लिक कर दो। जब तुम एक्सेप्ट पर क्लिक कर दोगे, सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, थोड़ी देर बाद तुम्हारे चैनल पर यहाँ पर सुपर चैट और सुपर स्टिकर दोनों ऑन हो चुका है और थोड़ी देर बाद तुम यहाँ पर मतलब यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है डोंट हैव एक्सेस टू सुपर चैट येट रेस्ट एश्योर कमिंग सून, तो ये बता रहा है कि हमने यहाँ पर आपका अपील जो है किया है, आपने एक्सेप्ट करके मान लिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये आपका चालू होगा सुपर चैट और ये स्टिकर वाला, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, थोड़ी देर बाद चल जाए। अब आपको बताता हूँ, अभी मैंने आपको स्लॉट बताया कि एक एक चैनल पर कैसे करना है। उसके बाद अब तुम्हें यहाँ पर दोस्तों मोनेटाइज वीडियो पर क्लिक करना है। मोनेटाइज वीडियो पर क्लिक करने के बाद तुम्हारे चैनल पर इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ये इंटरफेस आ गया मोनेटाइज ऑल वीडियो पर क्लिक कर दो, मोनेटाइज ऑल वीडियो पर क्लिक कर दो। और लोग कहते हैं स्किपेबल नॉन स्किपेबल ऐड नहीं लगानी चाहिए, मैं कहता हूँ लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपनी सारी वीडियो में लगाई, आज तक कोई दिक्कत नहीं आया। तो कर देना अप्लाई प्रेफरेंसेस पर क्लिक करना, यहाँ पर जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुम्हारे चैनल से सारी जितनी भी वीडियो है सब मोनेटाइज हो जाएंगी जो मोनेटाइज होने के लायक है। अगर जो मोनेटाइज ही नहीं होने वाली है वो वीडियो तो नहीं होगी मोनेटाइज, ये तो आपको भी पता है। तो दोस्तों ये काम आपको अपने चैनल पर करने होते हैं जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन उसके बाद आप मोनेटाइज जब आपका चैनल हो जाता है और आप ये सारे काम कर लेते हैं तो फिर आपको मैं यहाँ पर अभी कुछ और सेटिंग आपको दिखाऊंगा, ये अपडेट हो जाए उसके बाद करते हैं काम। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें इसलिए इनका चैनल मोनेटाइज हुआ क्योंकि ये अपना कंटेंट डाल रहे थे। फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने चैनल पर फेस वैल्यू रखते हैं तो चाहे एक व्यू जा रहा हो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन फेस वैल्यू नहीं है तो दिक्कत होती है, मतलब वो भी जाते हैं जिस पर फेस नहीं होता, लेकिन अगर फेस रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती यूट्यूब को आपका चैनल मोनेटाइज करने में। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है तो थोड़ा टाइम हम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक के लिए हम इंतज़ार करते हैं। दोस्तों थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सारा वीडियो हो चुका है मोनेटाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सारी वीडियो मोनेटाइज होने के बाद अब इनके चैनल पर रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर अब डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं, इसके बाद अब एनालिटिक्स पर क्लिक कर लेते हैं। एनालिटिक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो ये दिख रहा है रेवेन्यू वाला सेक्शन, अब धीरे धीरे यहाँ पर काउंट होगा क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर सभी ऐड ऑन किए हैं और ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया है 30 अगस्त से चलना इनका। 30 अगस्त को चैनल मोनेटाइज हुआ है, उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग शुरू है, तो अब इनके चैनल पर जो यहाँ पर रेवेन्यू आएगा वो दिखने लगेगा। तो आई होप दोस्तों आपको पता चला होगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर लेना जाकर अपने चैनल पर जब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो। और एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर करेंसी डॉलराइजेशन के लिए सारी चीज़ें इन्होंने कर रखी है। और आपको बता दूं कि आप अपने चैनल पर अपलोड डिफ़ॉल्ट में कुछ भी चीज़ कर सकते हैं जो हमेशा आपके डिस्क्रिप्शन में आपके टाइटल में रहेगा ही रहेगा, आपके टैग में रहेगा अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यस के राइडर, अपने चैनल का प्रमोशन आप खुद ब खुद कर सकते हैं। और यहाँ पर लिख सकता हूँ वेलकम टू एस के राइडर, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये हमेशा ही रहेगा एस के राइडर, वेलकम टू एस के राइडर, जब भी ये वीडियो अपलोड करेंगे कोई भी। तो अब इसे सेव कर दूंगा ताकि ये चीज़ें हमेशा बनी रहे। ये काम इतने दोस्तों करने होते हैं, ये काम करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और आपने ये काम कर लिए हैं तो अब रेवेन्यू आपको ज़्यादा जनरेट होगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना, और इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।